तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया है। ये देखिए ये है दाल, ठीक है। 100-150 ग्राम पनीर तो खाली एक प्लेट में यूज़ कर लेते हैं। ये इनकी वेज थाली है और मशरूम अच्छी खासी क्वांटिटी में है भाई। ये रिफाइंड से छौका गया भरता है टमा, और यही वाला काउंटर आपको देख के आना भाई साहब। ये दाल कम घी बटर और क्रीम ऊपर से आपको दिख ही रहा है मशरूम के चंक्स इसमें। अच्छा ये पनीर बटर मसाला है इनका। ये देखिए खीर, ये तंदूरी आलू का पराठा है। तो एट प्रेजेंट अभी तक मेरे चैनल पर जो सबसे चलने वाली वीडियो है, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो है शंकर भोजनालय। और शंकर भोजनालय का जब मैं कमेंट बॉक्स खोलता हूँ तो मुझे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कमेंट फ्लैश होते हुए दिखते हैं वो ये कि भाई शंकर ढाबा से अच्छा हरीश भोजनालय उसका भी ट्राई कीजिए। मुझे शंकर ढाबा अच्छा लगा, उसका खाना ठीक था, लेकिन हरीश भोजनालय के इतने ढेर सारे कमेंट आए कि भैया आप हरीश भोजनालय ट्राई कीजिए। तो लीजिए आज आपके डिमांड पर हम पहुँच गए हरीश भोजनालय AG ऑफिस। अभी टाइम हो रहा है 1:15 और इस समय अभी AG ऑफिस में होने वाली है छुट्टी, तो यहाँ पर लग जाएगी भीड़। और चूंकि आप लोगों ने इतनी तारीफ की थी तो हम भैया कवर करना मजबूरी थी, तो आ गए हैं आप लोगों की डिमांड पे कवर करने। और अभी देखिए ये है पूरा ढाबा वाला सिटिंग एरिया, और अभी थोड़ा भीड़ कम दिख रही है क्योंकि अभी छुट्टी हुई नहीं है AG ऑफिस की, तो अभी छुट्टी हो जाएगी। तो और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ढाबा वाला पूरा सिस्टम तो है ही है, साथ में यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए थाली वाला सिस्टम भी है, आप सेपरेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए पहले आपको हम ओनर से बात कराते हैं, उनकी चीज़ें दिखाते हैं उनके पास क्या क्या है, और आपको एक बार ढाबा का भी व्यू देते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो लोगों ने नहीं खाया उनको। बाकी जो कमेंट कर रहे हैं उन्होंने खाया तो होगा ही, तो आइए पहले अंकल जी से बात करते हैं। तो ये हरीश भोजनालय के ओनर, तो देखिए हम आपको सारी बात इन्हीं से क्लियर करा देते हैं, आप लोग इतना तारीफ़ कर रहे थे। अंकल जी ये बताइए कितनी पुरानी दुकान हो गई? 45 साल ये हो गया खोले हुए। स्टार्टिंग आपने खाने वाने से की थी कि जैसे ज़्यादातर इधर वाले ढाबे जो थे वो नाश्ता वास्ता पहले करते हैं? भोजनालय का डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही भोजनालय। तो आपका यही एक आउटलेट है कि कहीं और भी आउटलेट है? तो ये एकमात्र आउटलेट है हरीश भोजनालय का जहाँ पे आप आके खा सकते हैं। तो ये बताइए कि थाली की कॉस्ट आपकी जो सबसे मिनिमम थाली है वो कितने कॉस्ट की? 110 रुपए से है। 110 रुपए से कहाँ तक जाती है मैक्सिमम? बस 150 रुपए से मैक्सिमम 150 रुपए तक थाली जाती है। तो 110 रुपए सबसे सिंपल थाली है। टाइमिंग बता दीजिए आप हमारे दोस्तों को। 11 बजे दिन से, हाँ, सुबह 11 से 4 बजे शाम तक रहता है, शाम को 7 से 10 तक। तो 11 बजे दिन से शाम को 4 बजे तक रहता है, उसके बाद शाम को 7 बजे से रात में 10 बजे तक खुला मतलब रहता है, सब कुछ मिल जाए तो 10 बजे तक लास्ट, उसके बाद आप आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लोकेशन एक बार हमने तो बता दिया, आप एक बार अच्छे से समझा दीजिए जैसे लोग। AG ऑफिस अपोजिट AG ऑफिस के मेन गेट के जस्ट सामने। तो हम आपको एक बार और इनका लैंडमार्क दिखा देते हैं, इनका ये वाला काउंटर। तो ये देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है हरीश भोजनालय बड़ा बड़ा, तो आप जब भी इधर आइए इसे पढ़िए और यही वाला काउंटर आपको देख के आना। बाकी और भी बहुत ढेर सारे ढाबा यहाँ पे हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, इधर भी हैं, तो आप वहाँ पे आके परेशान ना हो, इसलिए आप साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है हरीश भोजनालय, यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये भैया का किचन है, आइए आपको थोड़ा किचन भी दिखा सकते हैं। तो ये है भैया का किचन जहाँ ये सामने आपको तंदूर वाला सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ सारा काम तंदूर वाला होता है। रोटी और नान भी बनती है, नान भी बनती है रोटी। और ये आलू किस लिए रखा हुआ है? पराठे। अच्छा पराठा भी मिलता है, तो ये तंदूरी वाला पराठा। अच्छा तो तंदूरी वाला पराठा मिल जाता है। इधर सब्जी उब्जी की कटिंग होती है, सब साफ़ सफाई से काम होता है। देखिए यहाँ पे अदरक रखा हुआ है, लहसुन भैया छील रहे हैं, उधर प्याज कट रहा है। ये काम लगातार दिन भर चलता रहता है ऐसे ही, जब लगातार दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ सब्जी की कटिंग होती है, इधर तंदूर वाला काम है, इधर किचन है। और किचन में इसमें बहुत ज़्यादा रश है लेकिन फिर भी अच्छा। यहाँ गैस वाली रोटी, तवे वाली रोटी भी मिल जाती है, तवे वाली रोटी मिल जाती है। यहाँ सारा दाल वाला काम होता है। तो भैया सारी कुकिंग यहाँ कोयले में ही होती है? जी सारी कुकिंग कोयले में होती है। तो ये क्या बना रहे हैं भैया इस समय? पनीर बटर मसाला। अच्छा ये पनीर बटर मसाला, इसकी तारीफ भैया भी कर रहे थे, इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। अच्छा इसमें चीज़ भी पड़ती है? अच्छा अच्छा चीज़ भी पड़ती है, तो आइए और आपको दिखा देते हैं। पनीर बटर मसाला बन गया, इसके ऊपर बटर पड़ता है और साथ में पड़ता है पनीर। अरे वाह, और साथ में यहाँ पे आती है धनिया। तो ये काफ़ी एकदम हाइजीनिक तरीके से, यहाँ देखिए एकदम साफ़ सुथरा तरीके से ढाबा में जैसे खाना बनता है। और काफ़ी भट्टी, एक भट्टी यहाँ लगी हुई है, दो वहाँ लगी हुई है, एक तंदूर उधर लगा हुआ है, तो 3-4 जगह। काफ़ी रश, सबसे ज़्यादा रश आवर कब रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ कब रहती है? शाम को 7 बजे। क्या बनाए हुए हैं? बैगन का भरता है ये? अरे लग तो सब्जी रही है ये, लेकिन है बैगन का भरता। तो भैया बैगन का भरता भी हम लोग ऑर्डर करेंगे, इसको भी खाना है हमें, देखने में बड़ा मस्त लग रहा है ये, ठीक है। और आइए ये देखिए यहाँ पे सब व्यवस्था यहाँ पे किए हुए हैं भैया, सब साफ़ सुथरे तरीके से। क्योंकि भट्टी का काम है इसलिए आपको हल्की फुल्की मट्टी वट्टी कहीं दिख जाएगी, क्योंकि भट्टी के काम में तो यही रहता है। अगर गैस होती तो आपको ये भी साफ दिखता, एकदम साफ होता ना, तब भी आपने इतना ज़्यादा मेंटेन किया हुआ, ये बड़ी बात है। बहुत लोग तारीफ किए कि भैया हरीश भोजनालय का आप भोजन ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया भोजन है, इसीलिए हम स्पेशली आपका ढाबा ही कवर करने आए हैं, ठीक। तो आइए थोड़ा सा कस्टमर से भी रिव्यू लेंगे, देखेंगे भाई कस्टमर्स का क्या कहना है। तो अंकल जी पहली बार आप यहाँ पे खाना ट्राई करने आए हैं? पहली बार यहीं इलाहाबाद के हैं? नहीं,
अच्छा गोरखपुर से, हाई कोर्ट काम रहा होगा कारण से यहाँ पे आए। तो भैया ने वेज थाली ऑर्डर की थी, हम लोग भी वेज थाली ऑर्डर करेंगे। और पनीर वनीर की भी कोई डिश ऑर्डर की? पनीर है, एक पनीर बटर मसाला। तो संतुष्ट थे आप खाने से? तो ठीक है, तो एक संतुष्ट कस्टमर मिल गए जो कि पहली बार खाए हैं और गोरखपुर से आए हैं। तो भाई गोरखपुर जाएंगे तो हरीश भोजनालय का नाम बताएंगे कि जब भी आप इलाहाबाद आइए तो हरीश भोजनालय में खाना जरूर ट्राई कीजिए। आइए एक बार कस्टमर से और बात करते हैं। तो भैया ने भी खाना मंगाया था, क्या मंगाया था आपने अंकल जी? थाली मंगाया था, दाल फ्राई और थाली। तो भैया ने भी दाल फ्राई और थाली मंगाई थी। तो भाई थाली तो इनकी काफ़ी फेमस लग रही है, अब बाकी हम भी ऑर्डर करेंगे दिखाएंगे। तो कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, 15 साल से जब आते हैं इलाहाबाद जरूर यहाँ खाना। अच्छा आप 15 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, और जब भी इलाहाबाद हैं कहाँ के आप? हम तो मिर्जा के जब आते हैं इलाहाबाद। तो भाई अब फेमस बताने की जरूरत नहीं है कि कितना फेमस है, गोरखपुर से आके भी आदमी यहाँ खा रहा है, मिर्जा से भी जब भी आते हैं 15 वर्ष से यहाँ पे खाते हैं। खाना से संतुष्ट हैं आप? खाना संतुष्ट। तो ये अंकल जी आंटी जी मिल गए हैं अभी, आपने खाया खाना? खाना खा लिया। क्या ऑर्डर किया था आपने? हमने हम साधारण खाना खाते हैं। थाली ऑर्डर की थी, कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत बढ़िया बनते हैं। और कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से चुनाव के पीरियड से आ रहे हैं। कौन से चुनाव? अभी विधानसभा का जो अभी हुआ था इसके बाद से आ रहे हैं। तो खाना आपको इतना पसंद आया कि आप बार बार यहाँ आते हैं खाने? सही बात है। तो भाई ये भी खुश कस्टमर है, एकदम संतुष्ट कस्टमर। अभी तक हमें जितने भी कस्टमर मिले सब बहुत संतुष्ट थे। तो अब चलिए हम लोग भी ऑर्डर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं भाई कि क्या है। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने खाया है वो तो जानते ही होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनको आज मैं दिखा दूंगा कि यहाँ का खाना कैसा है। बाकी एनवायरमेंट ढाबा हुआ तो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया, अब बारी आती है ऑर्डर करने की। तो चलिए करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया है, लग नहीं रहा है हम लोग खा पाएंगे। आइए पहले आपको दिखाते हैं ये क्या क्या है। अब मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए जो बताए ये क्या क्या है। देखिए पहले ये तो ये इनकी वेज थाली है, और वेज थाली इनकी थोड़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे। रीज़न ये कि देखिए इसमें सब कुछ आपको सजा के मिला हुआ है, साथ में सब्ज़ी भी दो तरीके की है, दाल है। ये क्या है भैया? ये खीर है। अच्छा इनकी 110 रुपये वाली थाली में भी खीर मिलती है, वाह ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। साथ में ये सलाद है, ये चटनी है, चावल है, रायता है, काफ़ी बढ़िया सजी हुई थाली है। और ये इसका प्राइस होता है 110 रुपये। चार रोटी मिलेगी, जैसे एज इट इज शंकर में मिलती थी वैसे चार रोटी मिलेगी। और ये जो थाली है ना इसमें जितनी क्वांटिटी आपको दे दी गई है उतनी ही मिलेगी 110 रुपये में, चार रोटी। आप इतने ही खा पाएंगे? एक आदमी इतना ही नहीं खा पाएंगे। अभी चार, ये दो रोटी अभी मिली हुई है हमें, ये देखिए ये दो रोटी इसी के साथ मिली हुई है, बटर वाली तंदूरी रोटी, जो अभी दो और मिल सकती है, दो मिस्सी रोटी मिल जाएगी, या दो आप तंदूरी या एक मिस्सी भी ले सकते हैं अगर चाहेंगे आप। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनकी थाली में ये मीठा एक्स्ट्रा है, ये खीर एक्स्ट्रा है जो नॉर्मली नहीं मिलती है। तो भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो अभी यहीं दिख गया। अब बात भी आती है खाने की, तो ये तंदूरी रोटी है, थोड़ा फोटो सेशन में टाइम लग गया, हल्की सी ठंडी हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट तो अच्छा होगा ही। तो रोटी और ट्राई करेंगे हम लोग कोई एक सब्ज़ी, कौन सी ट्राई करते हैं? ये पनीर बटर मसाला है इनका, और पनीर बटर मसाला काफ़ी फेमस है इनके यहाँ का, तो पनीर बटर मसाला ट्राई करते हैं रोटी के साथ। हल्का सा मीठी ग्रेवी, थोड़ी सी थिक, और पनीर बटर मसाला जैसे होता क्या है कि हल्का सा आपको जो है स्पाइसीनेस कम होता है, लोगों को कम पसंद आता है कि वही कम स्पाइसी हल्की सी मीठी है, लेकिन इसका स्पाइसनेस लेवल एकदम मेंटेन्ड है, हल्की सी तीखी भी है हल्की सी मीठी भी है। पनीर भी देखिए इसमें, पनीर के भी चंक्स हैं। तो 110 रुपये की के लिए हिसाब से ये एकदम बेस्ट डील है, क्योंकि पहली बात तो आपको पनीर की सब्ज़ी मिल रही है भाई। ये 150 वाली थाली है, सॉरी गलती हो गई, तो आप लोग स्टार्टिंग से जो देखते आ रहे हो वो 150 वाली थाली है। तो 150 वाली थाली में मीठा मिलता है, 110 वाली थाली में मीठा नहीं मिलता है। अच्छा इसमें पनीर नहीं रहेगी, उसमें पनीर नहीं रहेगी, मीठा नहीं रहेगा। सेम एज दो सब्ज़ी रहेगी, एक सीजनल सब्ज़ी, एक रसे वाली सब्ज़ी, दाल रहेगी, चावल रहेगा, रायता रहेगा, और आपकी सब्ज़ी ये रहेगा, प्याज, सलाद, पापड़, रायता, जो भी और चीज़ें रहती हैं। तो ये 150 वाली थाली है, और 150 वाली थाली के हिसाब से देखिए कटोरी भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, ठीक है, और दाल की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक आदमी के लिए सफिशियंट या मोर देन इनफ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी हमने पनीर की सब्ज़ी ट्राई की है, पनीर की सब्ज़ी में पनीर के चंक्स, और सिर्फ पनीर की सब्ज़ी ट्राई करते हैं बिना किसी रोटी वोटी के।
बटर मसाला की जितनी तारीफ़ कर रहे थे है उस लायक है, ये तारीफ़ करने लायक है। एक बटर मसाला हमने ये ऑर्डर किया है, प्लेट वाला बटर मसाला भी ऑर्डर किया है। प्लेट वाला बटर मसाला कौन सा है? प्लेट वाला बटर मसाला ये है, तो इसकी बारी बाद में आएगी। पहले अब हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा इनकी सीजनल सब्ज़ी। ये मिक्स वेज है भैया? हाँ जी, ये मिक्स वेज है। देखिए सबको गार्निश किया गया पनीर से, पनीर मिक्स वेज है इनकी, तो मिक्स वेज ही ट्राई करते हैं। इस सीज़न में मिक्स वेज मिल रही है गोभी के साथ, बस। तो नॉर्मली मिक्स वेज जैसी मिलती है सेम वैसे ही है। दाल जो है वो हर थाली में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, आपको पता ही है। तो दाल छोकी हुई होती है भैया ये वाली? हाँ फ्राई, हाँ फ्राइड दाल होती है। तो थिकनेस देखिए, दाल की थिकनेस देखिए, आप देख रहे हैं कितनी थिक दाल है। तो ढाबा में अगर जाएँ और इस तरीके की थिक दाल मिल जाए तो मूड ही बन जाता है भाई खाने का, और पूरा माहौल बदल जाता है खाने का। तो दाल ट्राई करते हैं, एकदम कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है इसकी, क्योंकि काफ़ी थिक दाल है और ढाबे में आदमी को यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जो दाल हो वो थिक हो। तो थाली ये 150 रुपये की एकदम सफिशियंट है एक आदमी के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वेराइटी आपको इसमें देखिए, रायता भी मिलेगा, आप सब कुछ तो मैं इसमें ट्राई कर नहीं सकता, इसमें सलाद भी मिलेगा, चटनी भी मिलेगी, खीर एक चीज़ बच रही है वो ट्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन मंगा सकते हैं, ज़्यादातर मीठे में आपको खीर मिलेगी, पुरानी चीज़ है थोड़ा, और आजकल मॉडर्न में 10 गुलाब मिल जाता है, और खीर जो है वाह खीर तो बहुत बढ़िया, 150 रुपये देसी वसूल हो गए। वाह खीर बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी भाई। अच्छा अगर कोई चाहे अगर अलग से खीर मंगाना तो वो भी मिल जाएगी? हाँ मिलेगी। तो खीर अलग से भी अगर आपको बहुत पसंद आ गई थाली में और आपको लग रहा है हमें खीर और खानी है तो आप सेपरेट भी ऑर्डर कर सकते हैं, खीर बहुत टेस्टी है। तो ये थाली 150 रुपये की, 110 रुपये वाली में पनीर बस नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा, मीठा नहीं रहेगा, पनीर और मीठा नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, एकदम फुलफिलिंग थाली है। बाकी अब जो प्लेट वाला सिस्टम है उनका वो दिखाते हैं। ये है इनका पनीर बटर मसाला, और मैंने भी बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा था कि भाई पनीर बटर मसाला हरीश ढाबा का बहुत अच्छा होता है। अंकल जी से भी बात की जो इसके ओनर हैं, वो भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है वो पनीर बटर मसाला होता है। ये प्लेट है, ये हाफ प्लेट है, ये फुल प्लेट है। तो ये फुल प्लेट की क्वांटिटी है, और इसको देखिए बढ़िया से गार्निश किया गया है, और पनीर के चंक्स ऐसा नहीं कि कहीं कहीं आपको मिलेंगे, हर जगह। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे, ये इनका पनीर बटर मसाला है। पनीर बटर मसाला हम लोग ट्राई करेंगे नान से। तंदूर वाला सेटअप हमने आपको दिखाई दिया, सब कुछ तंदूर में बनता है इनके यहाँ, और लाइव बनता है, ऐसा नहीं है कि बना हुआ रखा है और गर्म करके दे दिया जाएगा, सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से और आपकी डिमांड के हिसाब से बनता है। तो पनीर बटर मसाला ट्राई करते हैं ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में भाई, नान के साथ पनीर बटर मसाला, वाह बड़ी सी बाइट, एपिक भाई, एक्सेप्शनल, एकदम स्पाइसी नहीं है। अगर मतलब अगर आपको कहें बैलेंस्ड स्पाइसी, ना बहुत ज़्यादा तीखा ना बहुत ज़्यादा मीठा, एकदम बैलेंस बना हुआ है। और वन प्लेट के हिसाब से अगर इसको आप एक लोग के लिए ऑर्डर कर लेंगे, एक ये एक भरता ऑर्डर कर लीजिए, दो लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा आराम से, आराम से। अगर आप ये एक प्लेट ऑर्डर कर लेते हैं, इसके साथ आप भरता या दाल ऑर्डर कर लेते हैं, दो लोगों के लिए एकदम सफिशिएंट, आराम से आप पनीर बटर मसाला ट्राई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इनके यहाँ यही ऑर्डर भी होता है, तो काफ़ी टेस्टी है ये पनीर बटर मसाला, और छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप देख लीजिए पनीर के चंक्स आपको हर जगह मिलेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं। और हमको लगता है 100-150 ग्राम पनीर तो खाली एक प्लेट में यूज़ कर लेते हैं। अब ट्राई करते हैं हम लोग इनका हरीश स्पेशल। अब नाम हरीश है, स्पेशल है, तो बाकी जगह से पनीर की कुछ अलग डिश होगी। इसमें काजू दिख ही रहा है ऊपर, ये देखिए इसमें काजू पड़ा हुआ है, गार्निशिंग पनीर से की गई है, साथ में बटर, बटर से बनती है भैया ये? हाँ जी, ये बटर से, बटर और क्रीम से बनती है। तो बटर और क्रीम ऊपर से आपको दिख ही रहा है, और ये इनकी हाफ प्लेट है। ये हाफ प्लेट नहीं मिलती है, फुल प्लेट मिलती है। जब भी आप ऑर्डर करेंगे आपको ये नहीं लगे कि ये छोटी क्वांटिटी है। तो 240 रुपये का फुल, हम खा ना पाते इसलिए हमने थोड़ी सी क्वांटिटी मंगा ली है। जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आप इसको भी दो लोगों के लिए सफिशियंट होगा। अब ट्राई करते हैं इसको नान के साथ, ये देखिए। तो काफ़ी बड़ी बाइट हमने बना ली है, हमारे मुंह में जाएगी भी कि नहीं। इसमें शिमला मिर्च और प्याज भी रहती है, मतलब ये कढ़ाई पनीर, बटर पनीर और सब चीज़ का मिक्सचर है एक तरीके से, इनका स्पेशल हो गया ये। इतनी छोटी सी प्लेट में एक छोटी सी बाइट ली, पनीर भी मिल गया, काजू भी मिल गया, बटर भी मिल गया, और सारा टेस्ट एकदम बैलेंस टेस्ट, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं। और ये देखने में एक तरीके की लग रही है, जैसे इसका ये और ये सेम कलर की आपको लग रही होगी, लेकिन इसका टेस्ट और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। इसको आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने पनीर बटर मसाला भी खा लिया, कढ़ाई पनीर भी खा ली। तो भरता है ये इनका लग, हम जब पहली बार भरता देखे तो हमको भरता ये लग नहीं रहा था, लग रहा था कि जैसे ये मटर और आलू की सब्ज़ी है,
थोड़ा थिक है, ऐसे छौंका जाता है जैसे ढाबे वाबे में छौंका जाता है भरता, उस तरीके से। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये रिफाइंड से छौंका गया भरता है, टमाटर मटर लहसुन सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। रोटी के साथ ट्राई करते हैं भरता, भरता और रोटी का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है भाई। तो भरता और रोटी खाते हैं, तंदूरी रोटी और भरता। ये देखिए थिकनेस देखिए आप, ये बैगन से बना हुआ भरता और ये आ गई तंदूरी रोटी में। और इसको ट्राई करते हैं हम लोग। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिली हुई है, सिर्फ आपको बैगन का टेस्ट आएगा। मतलब कहते हैं ना कि 70 चीज़ मिला दो तो जो मेन चीज़ होती है जिसका टेस्ट चला जाता है, वो नहीं, कोई भी चीज़ ओवर पावर नहीं कर रही है। आपको उसमें मटर दिखेगा, टमाटर दिखेगा, रिफाइंड से छौंका हुआ है, फिर भी आप एक बाइट लेंगे आपको बैगन का टेस्ट एकदम प्योर आएगा। तो 45 रुपये में बहुत अच्छी डील है। अगर आप फुल ऑर्डर करते हैं तो इस प्लेट में मिलता है, फुल ऑर्डर करेंगे तो इस प्लेट में मिलेगा। कि हमने इनकी दाल भी ऑर्डर की है, स्पेशल दाल, ये स्पेशल छौंकी हुई दाल है। और इस कटोरे का प्राइस होता है कितना भैया? ये 60 रुपये की दाल है। और कटोरे की साइज़ देखिए आप, साइज़ के बाद इसके ऊपर घी देखिए आप भाई साहब, ये दाल कम घी ये देखिए बटर है, अच्छा ये बटर है, ये देखिए देख रहे हैं थिकनेस, दाल वही वाली है लेकिन इसको डबल थोका गया है तो ये अलग दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी थिकनेस। तो ये देखिए, बाकी तो हमने आपको दिखाई दिया, ये है दाल, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं थोड़ा, दाल सिर्फ दाल, ढाबे की तो दाल ही सब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होती है। थोड़ा गर्म है भाई, वही बात, दाल की थिकनेस इतनी अच्छी है, कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि जो ढाबे में आप कहीं पे भी गाँवों के ढाबे में जो भी खाते हैं सेम वैसा ही शहर के अंदर आपको टेस्ट मिल रहा है। और 60 रुपए में इनके पास सिर्फ दाल नहीं है, ये सब्जियां नहीं है, उसके अलावा आलू का पराठा भी मिलेगा तंदूर वाला, ठीक है। तो ये तंदूरी आलू का पराठा है, ये 40 रुपए का आलू पराठा है। और थिकनेस देखिए 35 रुपए, ये 35 रुपए का रहता है आलू का पराठा। तो ये बटर से हुआ है और ये है हमारा बटर मशरूम, मशरूम बटर मसाला, और मशरूम बटर मसाला, और मशरूम मेरा पनीर से ज़्यादा फेवरेट है। ये फुल प्लेट है और ये देखिए मशरूम के चंक्स इसमें देख रहे हैं। तो आपकी डिमांड पे मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया है जिससे कुछ भी छूटने ना पाए। तो आलू के पराठे के साथ पनीर, सॉरी मशरूम बटर मसाला ट्राई करते हैं। तो आलू का पराठा ये देखिए, इसमें आलू भरा हुआ है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में छौंका हुआ आलू है और वो भरा हुआ है। साथ में ट्राई करते हैं बटर मशरूम मसाला, और मशरूम अच्छी खासी क्वांटिटी में है भाई, ये देखिए ये देखिए। वाह भाई, खोया डाला हुआ है इसमें आपने, ये शाही बटर मशरूम मसाला हो गया ये बहुत टेस्टी है भाई, हल्की सी मीठी ग्रेवी। और तो ये भी 190 रुपये इसकी प्राइस रहती है, और दो लोगों के लिए ये और दाल मिला के सफिशियंट है आप आराम से ऑर्डर करके। तो लोगों, आप लोगों को भटकना नहीं, आप लोग ये नहीं सोचना कि बहुत महंगा खाना मिलता है प्रयागराज में। बहुत लोग कहते हैं भैया हम रेस्टोरेंट में खाने गए, हमसे 500 ले लिया, हमसे 600 ले लिया। आइए ना खाइए 200 रुपये में, 300 रुपये में, कौन मना कर रहा है क्या भैया? 300 रुपये में दो लोग आराम से खा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और शुद्ध शाकाहारी खाना, टेस्टी खाना, और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हर जगह बटर और रिफाइंड यूज़ होता है, ऐसा कुछ वो नहीं है ओवर हाइप कि आपसे कोई चोरी की जा रही है, कोई झूठ बोला जा रहा है। तो जितने भी लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि हरीश ढाबा आप ट्राई कीजिए, थैंक यू फॉर दैट। और भी इस तरीके की रिकमेंडेशन आप मुझे देती रहिए। बाकी बटर मशरूम मसाला एक बार और ट्राई करते हैं। वाह, तो अब बारी आती है रिव्यू की। तो अगर सबसे मुझे फेवरेट कहेंगे तो मेरा फेवरेट वैसे मशरूम है, तो बटर मशरूम को मैं सबसे पहले रखूँगा, मुझे सबसे पसंद आया। रीज़न ये कि मशरूम मुझे पसंद है इसलिए। तो आइए आपको मशरूम दिखाते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। उसके बाद ये हरी से स्पेशल पनीर में, ये देखिए ये हाफ प्लेट है और इसकी प्राइस होती है 240 रुपये फुल की, ठीक है। तो ये इसमें काजू वजू पड़ा हुआ है, तो ये मुझे पनीर बटर मसाला से ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें कढ़ाई पनीर का भी टेस्ट है और पनीर बटर मसाला का भी टेस्ट है। उसके बाद मैं अगर रेटिंग दूँ तो मुझे पनीर बटर मसाला ज़्यादा अच्छा लगा इसके बाद का, और उसके बाद ये बैगन का भरता, दाल बाकी सबको तो अच्छा है। और थाली इनकी जो इतनी अच्छी है, 110 रुपये वाली भी और 150 रुपये वाली भी, 150 रुपये में जो उन्होंने मीठा दिया ना वो खीर, वो एकदम एक्सेप्शनल है। और भरता 45 रुपये में एकदम बेस्ट डील है। तो आप इस सब में से, और बाकी इनका मेन्यू भी बहुत बड़ा है, अगर इनका पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दूँगा तो टेबल पर नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरा खाने का टाइम हो रहा है, अब हम खाएंगे और पूरा खाने के बाद फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ, ओके। तो भैया खाना बहुत ढेर सारा मंगा लिया था हम लोगों ने, इतना बच भी गया है, पैक करा लिया, कुछ वेस्ट नहीं किया है।
तो अब खाने की अगर हम बात करें तो सब खाना बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और जो नहीं खा पाए वो हम दिखाई दिए, पैक करा दिए। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आपको एकदम कॉस्ट इफेक्टिव खाना मिलेगा। थाली का रेट 110 रुपए से स्टार्ट होता है, जिससे पहले हमने शंकर ढाबा कवर किया था उसमें भी थाली का रेट 110 रुपए से स्टार्ट होता है। जो 150 रुपए वाली थाली है उसमें आपको जो स्वीट मिलता है वो पूरा पैसा वसूल है। खीर आप अलग से भी कोई स्वीट मंगा सकते हो, सभी चीज़ों का दाम एकदम जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन रेट पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी लोकेशन की बात करें, शिक्षा निदेशालय का गेट है, उसके जस्ट सामने ये काउंटर दिख जाएगा, बाबा हरीश भोजनालय लिखा हुआ। यहाँ पे आना है, थाली ट्राई कीजिए, प्लेट वाला सिस्टम ट्राई कीजिए, सब बेस्ट है। हरीश स्पेशल अगर दो लोग खा रहे हो, हरीश स्पेशल मंगा लो, सबसे बेस्ट है। बाकी आइए भैया से बात करते हैं और बताते हैं। बाकी देखिए भीड़ बढ़ने लगी यहाँ पर, शाम को जगह नहीं रहेगी। आइए तो भैया, आपका खाना ट्राई किया हमने, सब बहुत बढ़िया था। हरीश स्पेशल आपने रिकमेंड नहीं किया, सबसे अच्छा हमको वही लगा, वही तो था ही। अच्छा, वही तो आपको बताया था पहले, आप यही तो खाने स्पेशल वाला। अच्छा, हरीश स्पेशल ये कढ़ाई पनीर और बटर मशरूम मसाला का मिक्सचर लग रहा था हमें, बहुत टेस्टी था, एकदम अलग। अब जितने भी लोग हैं, जो लोग रिकमेंड कर रहे थे कि हरीश भोजनालय में जाके खाइए, बहुत अच्छा, थैंक यू आप लोगों ने रिकमेंड किया। और लोकेशन शिक्षा निदेशालय के सामने जो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा, वहाँ आके आपको खाना है, एकदम जेन्युइन रेट पे आपको खाना मिलेगा। और इलाहाबाद में अब ये कहने की जरूरत नहीं कि अच्छा खाना और अच्छी थाली आपको कहीं नहीं मिलती है। तो बाकी हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया के पास आके आपको खाना ट्राई करना है इलाहाबाद में, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।